तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया है और आगे भी बढ़िया रहना। तो मैं फाइनली फिर से आ चुका एक नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए गिल्ड। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने खुद के लिए एक गिल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप भी अपना खुद का एक गिल्ड बनाना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और वीडियो बहुत छोटा भी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक न्यू गिल्ड क्रिएट करने के लिए आप सभी को अपना खुद का आईडी लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं देखो, मैंने एक न्यू आईडी लॉगिन कर लिया है और ये आईडी देखो, मैं कोई भी गिल्ड पर ज्वाइन भी नहीं हूँ और इसी आईडी से मैं आप लोगों को न्यू गिल्ड क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो गिल्ड क्रिएट करने के लिए आपको पहले गिल्ड वाले आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद देखो राइट साइड के कॉर्नर पर आपको क्रिएट गिल्ड की ऑप्शन दिख रहा है। क्रिएट गिल्ड के ऑप्शन पर टैप करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको पहले नंबर पर चेंज गिल्ड बैच, चेंज गिल्ड बैच में आपको कोई भी लोगो सिलेक्ट कर लेना है आपके हिसाब से। फिर आपको स्क्वाड नेम, स्क्वाड नेम मतलब आपका गिल्ड का जो नेम होगा वो आपको इधर दे देना है। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ सिंपल से, आप मैं जैसे सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ ऐसे आप मत लिखना, आपका नेम एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बंदों आपसे पहले ये नाम यूज़ करके रखा है। तो आप फॉन्ट का यूज़ करोगे तभी वो नाम आपको एक्सेप्ट होगा, तो फॉन्ट का यूज़ करना ज़रूरी है। फिर आता है हमारा रीजन पे, आप अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है। रीजन सिलेक्ट करने के बाद हमारा आता है स्टाइल, स्टाइल पे भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। स्टाइल पे भी आज कुछ, क्योंकि स्टाइल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये क्रिएट होने के बाद भी आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है हमारा मेन सेटिंग, मेन सेटिंग में इधर देखो अप्रूवल मेथड, अप्रूवल मेथड में दो ऑप्शन दिख रहा है, एक अप्रूवल एक ऑटो। तो पहले अप्रूवल की बात करें तो अप्रूवल में होता क्या है, अगर कोई बंदा आपके गिल्ड यूआईडी पे रिक्वेस्ट करेगा तो आपके सामने रिक्वेस्ट आएगा, आप अगर उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे तभी वो गिल्ड पे एंट्री हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे में आता है ऑटो, ऑटो में होगा क्या, कोई भी बंदा आपके गिल्ड में डायरेक्ट एंट्री मार पाएगा अगर आप ऑटो करके रखोगे, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके गिल्ड में कैसे बंदे ऑटो पे आ पाएंगे। जैसे मैं इधर हीरोइक कर देता हूँ, बीआर रैंक सीएस रैंक हीरोइक या लेवल 50, लेवल जो मैंने दिया है ये तीन, जैसे लेवल 50 दो हीरोइक होने के बाद ही बंदा ऑटो पे आ पाएगा, उससे नीचे बंदा अगर 49 लेवल होगा तभी भी बंदा नहीं आ पाएगा। अब ये अप्रूवल मेथड वाला सेटिंग भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ऑटो भी रख सकते हो, अप्रूवल भी रख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा स्लोगन, स्लोगन में भी आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो। इसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इधर एक्टिव प्लेयर्स ओनली लिख दिया। तो इसी के साथ हमारा सारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब सेटिंग कंप्लीट होने के जाने के बाद हमारा बारी आता है क्रिएट करने की। तो क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कोई भी एक आइटम की जरूरत पड़ेगी, गोल्ड या डायमंड। तो हम ऐसे ज़्यादातर बंदे, मतलब लगभग हर एक बंदा गोल्ड से ही करेगा, तो 5000 गोल्ड होना आपके पास ज़रूरी है। तो अगर 5000 गोल्ड आपके पास है तो आराम से आप क्रिएट कर सकोगे। जैसे मैं आपको गोल्ड से क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मेरे जैसे वेलकम जैसे मैंने सिंपल लिख दिया, अगर आप भी आपके गिल्ड के नेम ऐसे लिख दोगे तो आपका भी गिल्ड एक्सेप्ट नहीं होगा नेम, क्योंकि और बंदे ने ऐसा नेम देख कर रखा है। तो अब अगर आप फॉन्ट का यूज़ करोगे तभी आपका गिल्ड का नेम सेव होगा। जैसे मेरा वेलकम जैसे लिखा था, मेरा सेव नहीं हुआ इसलिए मैंने कुछ भी टाइप करके इधर क्रिएट कर दिया गिल्ड। इधर देखो आप लोग, मेरा सक्सेसफुली गिल्ड क्रिएट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। बेसिक सेटिंग्स में जैसे नोटिस में आप कुछ भी लिख सकते हो गिल्ड प्लेयर के लिए जिसको वो फॉलो करेंगे। फिर दूसरे में अप्रूवल मेथड में एक मैं खुद का ओपिनियन देता हूँ आपको, ये आप सेटिंग कर लेना। जैसे आपका पहला जब गिल्ड होगा तब कोई भी बंदा आपके गिल्ड पे नहीं होगा, तब इसको सारा चीज़ को डिफॉल्ट में कर देना है और अप्रूवल मेथड को ऑटो पे कर देना है। इससे क्या होगा कि आप जब वर्ल्ड चैट में बंदे को घुसाओगे गिल्ड पर तो डायरेक्ट ज्वाइन हो पाएंगे, वो गिल्ड पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बता देता हूँ आपको कि गिल्ड में बंदे को ज्वाइन कैसे करना है। इधर से आप वॉल चैट पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो जिससे बंदा आराम से आ पाएंगे, और अगर फ्रेंड लिस्ट के बंदे को ऐड कर करना चाहते हो तो इधर आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, प्लस वाला आइकन पे जाके फ्रेंड पे टैप करना है। इधर से आप इंस्पेक्ट करते हो, उधर से जाने के बाद आपको गिल्ड इन्वाइट दिखेगा। तो इधर से गिल्ड इनवाइट कर देने के बाद आपके फ्रेंड के पास गिल्ड रिक्वेस्ट चला जाएगा। अभी अगर आपका दोस्त आना चाहेगा आपके गिल्ड पे तो आराम से आ सकता है। तो ये हो गया आप मेंबर कैसे जोड़ सकते हो। फिर आता है टूर्नामेंट, टूर्नामेंट पे आपको 1800 ग्लोरी करना होता है। 1800 ग्लोरी अगर करते हो तो आपको कस्टम कट के साथ और भी तीन कुछ आइटम्स मिल जाएंगे। फिर आते हैं हमारा डेली साइनिंग, डेली साइनिंग करने पे आप भी आपको 7 दिन में 7 आइटम्स मिल जाएंगे। आप अगर करना चाहते हो तो डेली लॉगिन करके क्लेम कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा सक्सेसफुली गिल्ड क्रिएट हो चुका है। अब अभी को कुछ नहीं करना है, आप गिल्ड क्रिएट करो, बंदे जोड़ो और आराम से कस्टम खेलो। आई होप को वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।